राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहले ये रोक 25 मई तक लगाई गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने मोबाइल ले जाने को लेकर भी नई एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर के 50 मीटर के दायरे में श्रद्धालु रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। बीते दो दिन में उत्तराखंड सरकार 5 बड़ी बैठकें कर चुकी है, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री रूट पर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम का समाधान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इतनी राहत जरूर है कि दो दिन पहले ट्रैफिक में जो समय 20 से 25 घंटे लग रहा था वो अब घट गया है। गुरुवार में दिन भर उत्तरकाशी से गंगोत्री के 99 किलोमीटर और बरकोट से यमुनोत्री के 46 किलोमीटर रूट पर करीब 3000 गाड़ियां 12 से 15 घंटे इंतजार कर ट्रैफिक में रेंगती रही। सबसे ज्यादा समय यमुनोत्री हाईवे पर पालीगढ़ के पास बनी हुई है। यहां 12-12 घंटे गाड़ियां रोक रहे हैं। रास्ते सकरे हैं और मोटर लोड ज्यादा है, इसलिए बुधवार पूरी रात ट्रैफिक चालू रहा। यात्रियों ने रात गाड़ी में ही बिताई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।